वेलकम टू द ACF रेंजर लेक्चर सीरीज ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। मैं हूं निकत परवीन खान और इन लेक्चर सीरीज में मैं फिजिक्स के दो टॉपिक डील करने वाली हूं। पहला है ऊर्जा यानी कि एनर्जी और दूसरा है प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। बाकी का जो सिलेबस है वो कौन सी फैकल्टी डील करेंगे ये आपको बता ही दिया गया है पहले के लेक्चर्स में। सो आज का ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम एनर्जी के अंडर एक सब टॉपिक को डील करेंगे और वो है न्यूक्लियर एनर्जी। जी हाँ, आज हम नाभिकीय ऊर्जा के बारे में जो भी फिजिक्स का पार्ट में दिया गया है सिलेबस में उसे डील करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा का मेंशन ACF के सिलेबस में दो जगह है, फिजिक्स में भी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में भी है। ठीक, आपने सिलेबस देखा ही होगा। फिजिक्स में इसका 70-80% पार्ट कवर किया गया है, इसके फिजिक्स को समझाने के लिए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यूक्लियर एनर्जी का जो प्रेजेंट सिनारियो है इंडिया में उसे स्केच करने के लिए कुछ टॉपिक्स डील किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट को। ठीक, तो इस तरह से दो जगह ये टॉपिक हैं। हम इसके फिजिक्स वाले पार्ट को पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इंडिया में प्रेजेंटली जो न्यूक्लियर एनर्जी का सिनारियो है उसकी भी लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं फिजिक्स की, उसमें भी जब न्यूक्लियर एनर्जी को डील किया जाता है तो उसके लास्ट में कंट्री में इसका जो प्रेजेंट सिनारियो है इसे भी स्केच किया जाता ही है। तो बस जितनी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई रहती है उतनी ही इन्फॉर्मेशन हम आज इस लेक्चर में लेंगे। तो हम इसका मैक्सिमम पार्ट जो 80% पार्ट है फिजिक्स को कवर करेंगे और 20% पार्ट इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक, न्यूक्लियर एनर्जी अंडर द टॉपिक ऑफ एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इट इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस विच हैज़ बीन मेंशन इन द ACF। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का है कि न्यूक्लियर एनर्जी के, और न्यूक्लियर एनर्जी से भी पहले न्यूक्लियस के। न्यूक्लियर एनर्जी जाहिर सी बात है नाभिकीय ऊर्जा जो है वो नाभिक से संबंधित है, तो न्यूक्लियस से और न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स के हम देखेंगे। उसके बाद नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं उनके बारे में समझेंगे, और नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो सबसे इंपॉर्टेंट दो अभिक्रियाएं हैं उसकी डिटेल पढ़ेंगे, जैसे कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन के जो प्रकार हैं या नाभिकीय विखंडन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि चेन रिएक्शन, उसी पर आधारित नाभिकीय रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब फिजन और फ्यूजन दोनों डील करेंगे, फिजन से रिलेटेड ये दोनों चीज़ें, फ्यूजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें और आएंगी वो उसके अंडर ही हम पढ़ेंगे, इसमें मैंने अलग से मेंशन नहीं किया है। उसके बाद आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है कि न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। और आखिर में एक नज़र डालेंगे इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी के प्रेजेंट सिनारियो को, जो थोड़ा सा पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले तो जो हम पढ़ रहे हैं उसको जनरेट करते हैं। देखो पढ़ने का तरीका कैसे होगा, जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को पहले हम जनरेट करते हैं, फिर डीजनरेट करेंगे, फिर रीजनरेट करेंगे। मतलब एक आम इंसान की भाषा में न्यूक्लियर एनर्जी क्या है पहले इसे समझेंगे, फिर उसकी स्पेसिफिक साइंटिफिक समझ के लिए, कंसेप्ट के लिए उसको डीजनरेट करेंगे, सारे बेसिक चीज़ें समझेंगे, तब जाके हम साइंटिफिकली फिर से फाइनलाइज एक डेफिनेशन बनाएंगे कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। ठीक, तो न्यूक्लियर एनर्जी जैसे कि हम सबको समझ में आता है एक लेमैन लैंग्वेज में कि इट इज़ एन एनर्जी विच हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन। एक ऐसी एनर्जी है जो कि नाभिकीय अभिक्रिया जो है उससे ऑब्टेन होती है। भाई आई डोंट थिंक कि अभी मुझे न्यूक्लियस क्या होता है या न्यूक्लियर रिएक्शन का बेसिक क्या होता है वो समझाने की ज़रूरत है। हम सभी जानते हैं कि एटम में सेंटर में एक नाभिक होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक, वो नाभिक जब अभिक्रिया करता है तो उससे जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। अब ये नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है, क्यों होती है और वो ऊर्जा में क्यों कन्वर्ट हो जाती है, इन सभी चीज़ों तक पहुंचने के लिए आगे के कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक लाइन में एक लेमैन डेफिनेशन है कि एक ऐसी ऊर्जा है जो नाभिकीय अभिक्रियाओं से हमें मिलती है, और ऊर्जा के अंडर इसे रखा गया है टॉपिक में। और इसे आपको जानना ज़रूरी है कि ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इंडिया में जितने सोर्सेज ऑफ एनर्जी मौजूद हैं हम सभी जानते हैं उसको कि वो परंपरागत और गैर परंपरागत में डिवाइडेड हैं। ठीक,
ये एक नॉन कन्वेंशनल यानी कि पीढ़ियों से जो एनर्जी का स्रोत इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है वैसी एक सोर्स ऑफ एनर्जी, एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। अभी हम उसमें फिर बाद में आएंगे कि भाई क्या रिएक्शन है, क्या एनर्जी। इस तक पहुँचने के लिए नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अब हम देखते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी को डिटेल में समझने के लिए आपको समझना होगा आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंट यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध। बहुत बेसिक चीज़ है, आप जितने लोग ACF रेंजर का एग्जाम दे रहे हैं सब साइंस बैकग्राउंड से हैं और सभी ये सारी चीज़ों को जानते ही हैं। आई एम जस्ट व्हाट एम आई डूइंग हियर इज मेकिंग इट मोर सिस्टमैटिक, रिवाइज करवा रही हूँ, रिकॉल करवा रही हूँ, कनेक्ट करवा रही हूँ, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी है, सापेक्षता का जो विशिष्ट सिद्धांत हम जानते हैं, उसके तहत उन्होंने ये कहा था कि एनर्जी और मास जो हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, वो समतुल्य होते हैं। समतुल्य होते हैं इसका मतलब ये होता है, उन्होंने ये तक कहा था कि जो मास होता है वो ऊर्जा का ही एक रूप होता है, मास इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली। तो अगर मास को अगर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत के तहत वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी को कन्वर्ट करोगे तो वो मास में कन्वर्ट हो सकती है, मास को कन्वर्ट करोगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है बराबर मात्रा में, ठीक है। तो मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये चीज़ को ध्यान में रखिए, ठीक है। मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड बोथ आर इंटरचेंजेबल, ये इन्होंने कहा था। अब इसको अगर हम फॉर्मूले में देखें तो बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला है E=mc², एनर्जी मास इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो एनर्जी होती है इट इज़ इक्विवेलेंट टू द मास, ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो न्यूक्लियर एनर्जी में आगे बढ़ने से पहले E=mc² के इम्पोर्टेंस को समझिए। देखिए हम ये जानना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस से एनर्जी मिल कैसे रही है, तो यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है कि मास से एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, एनर्जी जो है वो मास के इक्विवेलेंट होता है। अब वो चीज़ें आगे पता चलती जाएगी क्या है। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में और समझाना चाहती हूँ कि भाई कितनी एनर्जी मिलती है कितने मास से, कितनी एनर्जी मिलती है कितने मास से। मान लीजिए आपने 1 kg मास रखा है, 1 kg मास रखा है, तो उसमें से कितनी एनर्जी मिलेगी अगर 1 kg कुछ भी मास है वो पूरी तरह से वैनिश हो जाए, तो कितनी एनर्जी मिलेगी। तो आप 1 kg को इस फॉर्मूले में रख दो 1, और c का मतलब क्या होता है, c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट किसमें रख लीजिए 3×10⁸² ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर 1 kg मास वैनिश हो जाएगा तो उसमें से कितनी एनर्जी निकलेगी। तो हमने 1 kg रख दिया इसमें और इसमें रख दिया 3×10⁸, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको 9×10⁻¹⁶ जूल्स। जी हाँ, इसका मतलब अगर कोई भी 1 kg किसी वस्तु का द्रव्यमान हम देखेंगे, अगर 1 kg द्रव्यमान को आप पूरी तरह से वैनिश कर दोगे तो कितनी हमको एनर्जी मिलेगी, 9×10⁻¹⁶ जूल्स एनर्जी मिलेगी, ठीक। ये आई बात समझ में, प्रैक्टिकली बता रही हूँ, 1 kg कुछ भी मास है, मैं वेट नहीं बैरू, द्रव्यमान है उसको आप वैनिश कर दो, इतनी एनर्जी आपको मिलती है आइंस्टाइन की इस थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के तहत। अब देखिए जो प्रैक्टिकल यूनिट, तो हमको ये जूल्स एनर्जी क्यों हमको पता करनी है कि ये कितनी एनर्जी निकल रही है, क्योंकि हम न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो हमको ये भी देखना होगा ना कि न्यूक्लियर एनर्जी हमको, एनर्जी जो हमको मिल रही है वो कितनी मिल रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस इक्विवेलेंस के तहत नॉर्मली बेसिकली कितनी एनर्जी एमिट होती है। अब देखो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी जो इस्तेमाल किया जाता है वो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हम देखते हैं। तो आपको ये देखना है जूल्स में नहीं कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी मिल रही है, और मास का जो प्रैक्टिकल बेसिक यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो एक एटॉमिक मास यूनिट में हमको कितनी एनर्जी मिलेगी, एक परमाणु द्रव्यमान संख्या में हमको कितनी एनर्जी मिलेगी, इसके लिए देखिए शायद आपने ये पढ़ा ही होगा, मैं थोड़ी सी चीज़ें रिकॉल करा रही हूँ। एक AMU जो होता है वो होता है 1.66×10⁻²⁴
27 kg. 1.6 × 10⁻²⁷ kg. ठीक है, अब इसको हम इसमें रख देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने कहा हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम जूल्स को भी कन्वर्ट करते हैं। अगर हम देखें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो ये होता है 1.66 × 10⁻¹⁹ जूल्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इतना। अब हम इन सभी चीज़ों को, और एक और चीज़, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, मेगा मतलब 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन सभी जो आंकड़े हैं इनको अगर हम इस फॉर्मूले में रख दें, तो देखिए E इज इक्वल्स टू m की जगह क्या रखोगे, एक एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 1.66 × 10⁻²⁻²⁷ kg। ठीक है, सी स्क्वायर यानी इंटू 3 × 10⁻⁸ का स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय, अब आपको ये चीज़ जो है मिलेगी वो जूल्स में मिलेगी। अब आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल्स का कन्वर्जन अभी हमने देखा, तो 1.66 × 10⁻¹⁹ रख दो। और आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चाहिए, आपको चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से तो हमको यहाँ पे 10⁻⁶ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो भी आंकड़ा आएगा तो समथिंग इंटू 10⁻⁶ आएगा, उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, तो 10⁻⁶ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये जो आंकड़ा मिल जाएगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कितनी एनर्जी मिलती है। आपने ये सारी चीज़ें जब इसमें रख दी तो आपको एक आंसर मिलेगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एक AMU से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी एनर्जी ऑब्टेन होती है। ठीक है, ये एकदम स्टैंडर्ड याद रखना है। तो जब भी आप कोई फिजिकल रिएक्शन देखेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन देखेंगे, तो उसमें जब आपको एनर्जी कैलकुलेट करना होगा, तो आपको ये देखना होगा कि उसमें कितना AMU एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, कितना AMU जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब आपको पता है कि जो एक AMU है उसमें इतनी एनर्जी निकलती है, तो फिर आप जब ये कैलकुलेट कर लेंगे कितना AMU जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो उतने AMU को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल एनर्जी ऑब्टेंड मिल जाएगी। अब इसकी प्रैक्टिकल जो उपयोगिता है वो समझ में आ रही है कि जब भी आप रिएक्शंस पढ़ेंगे तो एनर्जी के कैलकुलेशन में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको ये एक AMU में एनर्जी जो एमिट हुई उसका ये स्टैंडर्ड याद रखना ज़रूरी है, वो यूटिलाइज होगा। ठीक, सो दैट इज़ इट, ये हो गया आपका थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, जिसका लेना देना आपका एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी से भी है। अगला कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स का क्या मतलब, तो न्यूक्लियर फोर्स का फिर क्या मतलब है, देखिए एक डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, इट बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस। आई होप यू नो व्हाट न्यूक्लियॉन्स आर। नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रली चार्ज होता है, ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है जो न्यूक्लियस बनाता है उसे ही न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम एक शब्द में न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये एक लाइन में डेफिनेशन ये बताती है कि इट बाइंड न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने का काम जो फोर्स करता है उसी को आप कहते हैं नाभिकीय बल। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझिए कि नाभिकीय बल का इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होंगे जो कि आपका न्यूट्रली चार्ज होंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर जो प्रोटॉन्स होंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है एक जगह पर है, तो व्हाट विल दे लाइक एक्सपीरियंस, दे विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, कूलम प्रतिकर्षण जिसे बोलते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट्स हैं ये रिपेल होंगे एक दूसरे से, उनमें प्रतिकर्षण का बल आएगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव ऑपोजिट नहीं है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम करके कोई ऐसा फोर्स होना चाहिए जो प्रोटॉन प्रोटॉन को साथ में रख सके। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन एक साथ कैसे आ गए, जबकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन एक साथ आएंगे तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो। ठीक है, तो कोई तो ऐसा बल होगा जो उनको बांध के रख रहा होगा। अब देखो, दो इकाइयां हैं तो इनमें गुरुत्वाकर्षण बल भी रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स होता है
और गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनमें बहुत अंतर होता है। मतलब अगर मैं बात करूँ ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो अगर मैं उसको 1 लेती हूँ, तो जो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है वो 10^36, मतलब रेशो देखूँ तो 1:10^36। गुरुत्वाकर्षण बल अगर 1 के बराबर है तो उनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल है, जो एक दूसरे से उन्हें दूर कर रहा है, वो 10^36 और ये 10^36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के इतने गुना हैं। तो मतलब इन दोनों इकाइयों का गुरुत्वाकर्षण बल इन्हें साथ में रखने में असमर्थ है, क्योंकि प्रतिकर्षण बल काफ़ी गुना ज़्यादा है। तब भी ये साथ में है, तभी तो न्यूक्लियस बना हुआ है, तब भी वो साथ में इसलिए हैं क्योंकि एक और बल है जो उन्हें साथ में बांध कर रखता है, और उसी बल को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। अब जाहिर सी बात है कि ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स से भी ज़्यादा होगा, इसका जो फोर्स है उससे भी ज़्यादा होगा, वो होगा 10^38 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, ये चीज़ आगे दी गई है। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, इनके बीच में ये रेशियो देखिए 1:10^36 1:10^38। मतलब सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशनल, उससे स्ट्रॉन्गर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स, और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा न्यूक्लियर फोर्स। बॉटम लाइन इज, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स अगर अर्थ पे कोई सा है तो वो यही फोर्स है। नाभिकीय बल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन अर्थ। ठीक, तो जाहिर सी बात है अगर न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने वाले इस फोर्स को आप फोर्सफुली तोड़ेंगे या इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे, तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी या छेड़छाड़ करने के बाद उसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो भी इसकी इक्विवेलेंट बहुत ज़्यादा होगी। अगर बहुत ज़्यादा फोर्स है तो उसको आपको तोड़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का बॉटम लाइन ये है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो अर्थ पर मौजूद है उससे बंधे हुए रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर के न्यूक्लियॉन्स, विच इज़ 10^38 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखने वाला फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, आगे देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है आपका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अब इसका क्या मतलब होता है समझिए, कुछ चीज़ें लिखी गई होंगी, इसमें एक फॉर्मूला लिख दिया है, इसको मैं आपको पहले बताती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अपना कुछ द्रव्यमान होगा। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं तो न्यूक्लियस बनता है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग होगा, सम होगा, उतना न्यूक्लियस का द्रव्यमान नहीं होता, उतना उसका मास नहीं होता। मतलब अगर मान लीजिए एक यूनिट प्रोटॉन है, एक यूनिट प्रोटॉन है, एक यूनिट न्यूट्रॉन है, इन सबको आप ऐड करेंगे तो फाइनल जो न्यूक्लियस बनेगा उसका द्रव्यमान 3 होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये जब तीनों ऐड होते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कम रह जाते हैं। हो सकता है ये 3 हो तो यहाँ पे 2.5 यूनिट्स हो, समझ रहे हैं? एक प्रोटॉन का कुछ भार, दूसरे प्रोटॉन का कुछ भार, सारे मान लीजिए 10 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उन सबका कुछ भार, तो कुल मिलाकर के 10 होना चाहिए जब एक साथ कंबाइन करें। पर जब न्यूक्लियस बनता है तो वो 10 की जगह 8 या 9 ही रह जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मास डिफेक्ट। द्रव्यमान क्षति होती है जब भी घटक, जो भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो नाभिक बनाते हैं, तो द्रव्यमान की क्षति होती है। और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के तहत यदि क्षति हो रही है तो वो मास कहीं डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ होगा, 100% वो किसी एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, वो ऊर्जा में रूपांतरित हुआ होगा। तो भाई ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं और फाइनल जो न्यूक्लियस बना है, इसके ट्रांसफॉर्मेशन में जो एनर्जी बन रही है, जो एनर्जी निकल रही है, उसी को आप कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अभी मैं न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बोल रही, मैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। एक न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो जब कंबाइन करते हैं
तो जो न्यूक्लियस बनता है उसका भार न्यूक्लियॉन्स के भार के योग से कम होता है। तो जितना मास डिफेक्ट आता है, जितनी क्षति होती है द्रव्यमान की, वो ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है और उसी ऊर्जा को हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। कुल मिलाकर के तो दूसरे शब्दों में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, ये वो बाह्य ऊर्जा होती है जो किसी भी नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियॉन्स में अपघटित करने के लिए आवश्यक है। मतलब मैंने पहले फिर से जनरेट किया, अब डीजनरेट कर रही हूँ। मैंने क्या कहा आपको, मास डिफेक्ट की वजह से जो एनर्जी आई वो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब साधारण शब्दों में क्या है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, एक न्यूक्लियस है उसमें खूब सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, पूरी तरह से अपघटित करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होगी वही है आपकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। न्यूक्लियस को पूरी तरह से तोड़ने के लिए, सारे घटकों को पूरी तरह से विखंडित करने के लिए, ठीक, अपघटित करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो है न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी। उसके बाद इसी से एक कॉन्सेप्ट निकलता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन या प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। इसे भी समझे इसका क्या मतलब होता है। अब अगर आप सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ रहे हो तो जो एनर्जी लग रही है वो बाइंडिंग एनर्जी। आप एक न्यूक्लियस से सिर्फ एक प्रोटॉन को या सिर्फ एक न्यूट्रॉन को हटा रहे हो तो वो हो गई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। मतलब सबको ना हटा करके एक न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हो गई आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूले के तहत ये जो लिखा है इसको मैं रब कर देती हूँ। तो यहाँ पे एक फॉर्मूले के तहत इसको रिप्रेजेंट किया गया है EBM इज इक्वल टू EB बाय A। अब यहाँ पे EBM क्या है, जाहिर सी बात है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, ये बंधन ऊर्जा है। EB अभी हमने देखा ये है बाइंडिंग एनर्जी, और A क्या है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। मान लीजिए एक न्यूक्लियस है उसके अंदर कुल मिलाकर के 10 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो जो भी उस पूरे 10 न्यूक्लियॉन को तोड़ने वाली एनर्जी होगी वो होगी बाइंडिंग एनर्जी। उसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं टोटल 10 न्यूक्लियॉन से, यानी 10 क्या होंगे, इसमें 5 प्रोटॉन होंगे 5 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, या जो भी है, ठीक। तो इस तरह से जितने आपके 10 न्यूक्लियॉन्स हैं उनको आप नीचे रख दीजिए, ए क्या होगा न्यूक्लियॉन्स की कुल संख्या, उसको आप जब डिवाइड कर देंगे बाइंडिंग एनर्जी से तो ये आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि पूरा आगे का जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ये होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो अब आते हैं हम कि नाभिक को आप स्थिर कब बोलेंगे, स्टेबल कब बोलेंगे, ठीक है, स्थाई कब बोलेंगे। तो किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो होती है वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो अभी जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और दूसरा रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। दूसरा पहले बताती हूँ मैं। अगर हम देखें तो एक नॉर्मल न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में 1:1, मतलब अगर रेशो सेम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशो जो है वो सेम है, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो वो जो न्यूक्लियस है वो बहुत स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ इसमें कुछ गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, जैसे कि आइसोटोप में समस्थानिक, हम जानते हैं एक कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होने लगती है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, ठीक, न्यूट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है तो उस वजह से नाभिक जो है वो भारी होता जाता है। तो ऐसे केस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का रेशो 1 नहीं होता, ऐसे में फिर वो अनस्टेबल होने लगते हैं, ठीक है। या तो न्यूट्रॉन कम हो जाए प्रोटॉन के कंपैरिजन में, या तो न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाए, 1:1 नहीं है तो फिर वो अनस्टेबल है। ख़ासतौर पर ये देखा गया है कि अगर मान लीजिए मास नंबर 82 से ऊपर होता है, जितने भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं अर्थ में, अगर उनका मास नंबर 82 से ऊपर है, द्रव्यमान संख्या जो है वो 82 से ऊपर है, तो वो अक्सर अस्थिर ही रहते हैं।
ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव डीके बहुत करते हैं। रेडियो एक्टिविटी जो आपने सुना है, रेडियो धर्मिता, आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि 82 से ऊपर मास नंबर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, या फिर उनमें नाभिकीय अभिक्रियाएं बहुत ईजिली पॉसिबल होती हैं क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अनुपात, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अनुपात पर स्थायित्व या स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अभी जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एक न्यूक्लियॉन के प्रति जो बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियॉन है उस पर भी स्थायित्व डिपेंड करता है, उसके लिए आप ये ग्राफ देखिए। तो ये ग्राफ देखिए, ये एक ग्राफ है मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बीच में। अभी आपने जो देखा था ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर, जितने एलिमेंट्स हैं उनको रखा गया और एक ग्राफ खींचा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपके एक्स एक्सिस में मास नंबर है और यहाँ पर आपके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, ये देखो यहाँ पे एक लीनियर लाइन, मतलब एक लीनियर स्केच है, ये एक लाइन गई हुई जो सभी जानते हैं, अगर आप ग्राफिकल स्टडी जानते हैं कि ये लीनियर अगर कुछ भी ग्राफ आता है तो वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं ये मास नंबर 50 से लेकर के मास नंबर 140 भी नहीं आया, करीब 140 तक के, 50 से लेकर 140 तक जितने एलिमेंट्स आते हैं जिनके मास नंबर 50 से 140 के बीच में रेंज करते हैं वो कहीं ना कहीं स्टेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन 50 से नीचे जितने एलिमेंट्स हैं, खासतौर पर याद रखना, एग्जैक्टली हम देखें ना तो आयरन 56 से नीचे जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनमें स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। ठीक है, और इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो आपके ग्राफ में दिख रहा है, ये वाले जो हैं, जैसे कि यहाँ पे यूरेनियम है, ठीक है, मास नंबर देखिए उनका 238। ठीक है, तो ये 140-150 से ऊपर जितने वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो इस ग्राफ के इस तरफ वाले भी अनस्टेबल, इस ग्राफ के इस तरफ वाले भी अनस्टेबल, बस इतनी रेंज जो होती है वो स्टेबल होती है। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि एवरीथिंग इन नेचर ट्राइज टू अटेन स्टेबिलिटी, प्रकृति में हर चीज स्थिरता या स्थायित्व की ओर बढ़ती है, ये फिजिक्स का यूनिवर्सल लॉ है। तो अगर कोई भी नाभिक, वो सारे नाभिक जिनमें ये जो है ये इससे कम है वो अनस्टेबल, इससे ज़्यादा वो भी अनस्टेबल, तो जितने नाभिक यहाँ हैं वो भी इस रेंज में आने की कोशिश करेंगे और जितने नाभिक यहाँ हैं वो भी इस रेंज में आने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ जितने भी आपके एटम्स आ रहे हैं ये बहुत लाइट एटम्स होंगे, इसके नाभिक बहुत कम होंगे। ठीक है, बट स्टेबिलिटी में आने के लिए वो क्या करेंगे, वो कंबाइन करेंगे ताकि उनका मास नंबर 50 से ज़्यादा हो जाए। अब जब वो कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका मास पहले के दोनों रिएक्टेंट से कम होगा, वहाँ पे फिर से आ जाएगा मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट आएगा तो E=mc² वाले फॉर्मूले से वो जो मास डिफेक्ट है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है, पहले तो ध्यान रखिए, ये जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो कंबाइन होके भारी न्यूक्लियाई बना रहे ताकि वो इस रेंज में आ सकें, और उस वजह से जब वो रिएक्ट कर रहे हैं तो इसी रिएक्शन को आप न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और उनके द्रव्यमानों में जो क्षति पाई जा रही है, पहले दो लाइटर थे मिलकर के बड़ा बनाए, लेकिन ये बड़े का जो टोटल द्रव्यमान है इन दोनों से कम होगा, तो बीच में जो मास डिफेक्ट आ रहा है उससे जो एनर्जी निकल रही है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। अब आई बात समझिए, जो पहला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी मिलती है वो न्यूक्लियर एनर्जी, वही चीज़ यहाँ पर भी देखो, जितने आपके भारी न्यूक्लियाई होंगे वो भी इसमें आने के लिए अपने मास नंबर को कम करने की कोशिश करेंगे। अब वो कम कैसे करेंगे, वो टूट जाएंगे। ठीक है, वो छोटे छोटे दो न्यूक्लियाई में टूट जाएंगे ताकि वो इस रेंज में आ सके। अब मान लीजिए इसका जो द्रव्यमान है 10, जब ये टूटते हैं तो ऐसा नहीं होता कि ये 5 और ये 5, ऐसा नहीं होता, ये जो इनके फाइनल प्रोडक्ट्स हैं इनमें हो सकता है ये 4 हो, ये 3 हो, 2-3 जो द्रव्यमान है उसका अंतर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे फिर होगा मास डिफेक्ट। अब ये जो मास डिफेक्ट है वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। तो जब यहाँ के भारी न्यूक्लियस नाभिक टूट करके छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाते हैं इस रेंज में आने के लिए, उसी रिएक्शन को आप फिर से एक दूसरी तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं।
अभी मैं फिजन फ्यूजन जो है वो बाद में बताऊंगी, अभी ये भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन था, ये भी न्यूक्लियर रिएक्शन था, और यहाँ पे जो मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी निकल रही है इस रिएक्शन में, उसी को आप न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग. वी ऑल हैव स्टडीड दिस, वी आर ऑल फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड. ये चीज़ें बहुत ही बेसिक तौर पर हमने स्कूल में पढ़ी है, पर मैंने देखा है कि चीज़ें अक्सर रटी जाती हैं, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट में लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ें, फिर डेफिनेशन जो हैं, एग्जाम्पल्स जो हैं या कंसेप्ट जो हैं वो अपने आप आपके बिल्ड हो जाएंगे. ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करके एक बड़ा एलिमेंट बनाते हैं ताकि वो इस रेंज में आ सके. यहाँ वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो टूट करके छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाते हैं ताकि उस रेंज में बना सके. ये भी एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये भी एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन है. दोनों में हो रहा है मास डिफेक्ट, और क्योंकि मास डिफेक्ट हो रहा है इसलिए हो रही है एनर्जी रिलीज, और उसी एनर्जी को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी. आई होप दैट इज क्लियर. ठीक, और जब टाइप्स की बात करें तो जब दो छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक बड़ा बना रहे हैं, ये वाले न्यूक्लियर रिएक्शन को हम कहते हैं संलयन यानी कि फ्यूजन, और जब एक बड़ा न्यूक्लियस टूट करके दो छोटे न्यूक्लियाई बना रहे हैं और एनर्जी निकल रही है तो इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन यानी कि विखंडन. तो इस तरफ वाले करते हैं नाभिकीय संलयन, इस तरफ वाले करते हैं नाभिकीय विखंडन. दोनों में ऊर्जा रिलीज हो रही है मास डिफेक्ट के वजह से, और वही है न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है, आई होप यहाँ तक कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई, फिजन और फ्यूजन का मतलब समझ में आया. अब हम एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं और इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को भी देखते हैं. आपने इस ग्राफ के जरिए ये तो समझ लिया कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं और ये कौन से दो प्रकार के होते हैं. अब हम दोनों टाइप्स को एक एक करके डील करेंगे. सबसे पहले हम डील करेंगे न्यूक्लियर फिजन को यानी नाभिकीय विखंडन को, और उससे रिलेटेड सारे आगे के कॉन्सेप्ट्स. जैसे कि भाई हमने ग्राफ में देखा कि जितने भी भारी न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटने की कोशिश करते हैं. भारी नाभिक छोटे छोटे दो या उससे ज़्यादा नाभिकों में टूटने की कोशिश करते हैं, और इसी अभिक्रिया को, इसी नाभिकीय अभिक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं यानी कि न्यूक्लियर फिजन कहते हैं. जैसे कि आप इस डायग्राम से देख ही सकते हैं, अगर हमने कोई भारी न्यूक्लियस लिया जो उस ग्राफ में आपने देखा था 140-150 के ऊपर है, उससे अगर हम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड कराते, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि ये प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता, अपने से नहीं होता. नॉर्मली जो भी ऑब्जर्वेशन है उस हिसाब से स्पॉन्टेनियसली नहीं होता है. दरअसल 1939 में ऑटो हैनर स्ट्रेसमैन ने इस चीज़ को डिस्कवर किया था, और उन्होंने यूरेनियम पर ये एक्सपेरिमेंट किया था. यूरेनियम 235 को जब उन्होंने मंद गति से चलते एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवाया, उस पर उसकी बम्बारी की, तब देखा उन्होंने कि ये जो है यूरेनियम 235 बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया. दो छोटे न्यूक्लियाई यानी दो छोटे मास नंबर के एटम्स में टूट गया, और उसके साथ ये भी देखा गया कि जब ये दो हिस्सों में टूटा तो बेरियम और क्रिप्टॉन का जो कुल मास नंबर था वो यूरेनियम 235 से कम था. मैं आगे इसके बाद की स्लाइड में उस चीज़ को बताऊंगी. और जब ये टूटा तो उसके बाद तीन न्यूट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज हुए, और क्योंकि इन दोनों का जो टोटल मास है वो इसके मास से कम था तो इनके बीच में आया मास डिफेक्ट, और वो मास डिफेक्ट ही एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है. बड़ा एटम है टूट गया जो छोटे छोटे में, दो छोटे का जो मास है वो बड़े एटम से कम है, मास डिफेक्ट आ गया, एनर्जी रिलीज हो गई, न्यूक्लियर फिजन हो गया. ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन ये है, नाभिकीय विखंडन ये है, और अर्थ पर मौजूदा वक्त में अगर हम देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सा ऐसा है जो प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी जनरेशन के लिए, तो वो न्यूक्लियर फिजन ही है. जी हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी का मेन सोर्स जो अर्थ पर अब इस्तेमाल किया जाता है वो न्यूक्लियर फिजन ही है. क्यों ऐसा है, दूसरे न्यूक्लियर फ्यूजन को इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, वो हम न्यूक्लियर फ्यूजन समझने के बाद करेंगे. इसके आगे बढ़ते हैं. न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो दो तरीके का होता है. एक जो यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल्ड, और दूसरा होता है अनकंट्रोल्ड. कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड यानी नियंत्रित और अनियंत्रित.
अब नियंत्रित और अनियंत्रित जो न्यूक्लियर फिजन की अभिक्रिया उसको समझने के लिए पहले आपको श्रृंखला अभिक्रिया समझनी होगी। जी हाँ, चेन रिएक्शन समझेंगे तब जाके आपको कंट्रोल और अनकंट्रोल रिएक्शन समझ में आएंगे। तो देखिए, अभी हमने एक हद तक पढ़ा कि एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे में टूटा और एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक, अब इसके बाद जब तीन न्यूट्रॉन्स इसमें से जनरेट हुए, वो न्यूट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? अगर आपके पास एक फिसाइल मटेरियल है, एक न्यूक्लियस को आपने तोड़ दिया और तीन न्यूट्रॉन जनरेट हुए, तो वो तीन न्यूट्रॉन भी तो जाके किसी और न्यूक्लियस से टकराएंगे। आखिर तो वो टूटा कैसा था? न्यूट्रॉन की वजह से टूटा था। तीन न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे तो वो भी तो किसी से जाके टकराएंगे, वो भी किसी एक न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं। तो होता ऐसा है कि जब एक न्यूक्लियस टूटता है, दो कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस बनते हैं, न्यूक्लियाई बनते हैं, और जो फ्री न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं वो आगे जा कर के दूसरे जो एटम्स हैं, दूसरे न्यूक्लियस हैं, उनको बम्बार्ड करते हैं, उन पर बम्बारी करते हैं और फिर वो टूटते हैं। तो इस तरह से एक न्यूट्रॉन आपने डाला, आपने एक फ्यूल ले लिया, आपने एक मटीरियल ले लिया, मान लीजिए यूरेनियम 235 ले लिया, उसमें आपने न्यूट्रॉन डाल दिया, उसका एक न्यूक्लियस टूटा, उसे तीन न्यूट्रॉन जनरेट हुए, वो तीन न्यूट्रॉन जो हैं वो तीन यूरेनियम 235 को बम्बार्ड करेंगे, फिर जब वो फिर तीन तीन नौ जनरेट हो जाएंगे, फिर वो तीन तीन जो हैं वो नौ को बम्बार्ड करेंगे तो 27 जनरेट हो जाएंगे। इस तरह से एक बार आपको रिएक्शन स्टार्ट करने की देर है, एक बार न्यूट्रॉन डालने की देर है, और उसके बाद ये अपने आप फिर ये स्पॉन्टेनियस जो है वो आगे बढ़ता जाता है, एक से तीन, तीन से नौ, नौ से 27। इसी को हम कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया, एक चेन बन जाती है रिएक्शन की, न्यूक्लियर रिएक्शन ही, इसी को हम कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, अब ये श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है वो दो तरीके की होती है, कंट्रोल्ड यानी नियंत्रित और अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित। अभी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अनकंट्रोल्ड है कि एक से तीन, तीन से नौ, नौ से 27, इस तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीपल ऑफ थ्री में बढ़ता गया। अब आप सोचिए कि कितने कम टाइम पे कितने ज़्यादा रिएक्शन हो जाएंगे, कितनी ज़्यादा एनर्जी। अच्छा, एनर्जी जनरेट हो रही है उसको मैं एक फॉर्मूले से आपको बताती हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक AMU जो है उसमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो देखिए, जब एक फिजन होता है, जब एक विखंडन होता है, तो एक विखंडन में 0.2 AMU मास डीके होता है। अभी मैंने बोला ना कि मेन वाले से जब वो दो टूट कर बनेंगे तो मास डीके होगा, मास डिफेक्ट आएगा। तो कितने मास की क्षति, कितने द्रव्यमान की क्षति हुई? 0.20 AMU। ठीक है, तो 0.2 अगर 1 AMU से इतनी एनर्जी जनरेट होती है तो 0.20 से कितनी होगी? तो 0.20 को आप मल्टीप्लाई कर दिए 931 में, तो अप्रॉक्सीमेटली 170-180 आएगा। लेकिन एक जो नॉर्मल रेंज आपको याद रखनी है वो है 200। क्या कह रहे हो, मैं इसे समझिए, एक फ्यूजन से करीब करीब 180 से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होती है एक फ्यूजन से, क्योंकि एक फ्यूजन में जो मास डिके होता है वो 0.20 AMU होता है। ठीक है, तो अब सोचिए कि एक फिजन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक के बाद तीन, फिर उसका तीन गुना, फिर नौ गुना, फिर 27 गुना, तो कितने कम टाइम पे कितनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो जाएगी। इसी तरह के रिएक्शन को, जिसको हम एक बार स्टार्ट करके कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसी को हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड या अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि एक एनिमेशन के जरिए आप देख सकते हैं, न्यूट्रॉन आया, 235 से टकराया, बेरियम और क्रिप्टॉन में ये टूट गया, फिर तीन न्यूट्रॉन, फिर यूरेनियम में जाकर के ये जाकर टकराएंगे, वो टूटे, फिर वो तीन न्यूट्रॉन जनरेट करेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूस एक चेन चल रही है, और बहुत कम टाइम में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब ये श्रृंखला अभिक्रिया आगे बढ़ेगी तब क्या होगा? ये होगा एक्सप्लोशन। जी हाँ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा, और ये वही अभिक्रिया है जिसका इस्तेमाल एटम बॉम्ब्स में, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब्स में होता है। बहुत कम टाइम, बहुत ज़्यादा एनर्जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जिसको आपने कंट्रोल नहीं कर पाया, तो क्या होगा? वो एनर्जी एक्सप्लोड हो जाएगी। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ही बेसिक प्रिंसिपल होता है किसका? एटम बॉम्ब्स का या न्यूक्लियर बॉम्ब्स का। ठीक है, ये वो उस एटम बॉम्ब की एक तस्वीर है। हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी का पृथ्वी पर सबसे भयावह रूप जो देखा गया वो 1945 में देखा गया, हिरोशिमा नागासाकी में, जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए थे तब देखा गया था। और वो जो एक्सप्लोजन्स हुए थे वो इसी न्यूक्लियर फिजन पर आधारित एटम बॉम्ब्स के हुए थे, अनकंट्रोल्ड
चेन रिएक्शन की वजह से एटम बॉम्ब में इतना एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, आई होप ये समझ। अच्छा, कुछ लोग ये कहेंगे मैम ठीक है वो मास डिफेक्ट आया, पर एनर्जी कैसे रिलीज हुई, कौन से फॉर्म में रिलीज हुई? देखो क्या होता है ना, जब एक बड़ा मटेरियल टूट रहा है तो टूटने के बाद जो न्यूक्लियाई होते हैं ना वो बहुत तेज़ एक दूसरे से, दे फ्लाई अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दे कोलाइड, स्टार्ट कोलाइडिंग विथ ईच अदर। उस वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत हाई हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। दैट काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में आ जाती है, वो हीट के फॉर्म आ जाती है, और साथ ही साथ रेडिएशन भी वो एमिट करती है, गामा रेडिएशन। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप दूसरे तरीके से देखो तो मास डिफेक्ट से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इस वजह से हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है, उस वजह से उसकी हीट बढ़ जा रही है और उस वजह से उसकी एनर्जी बढ़ जा रही है। सो दैट इज न्यूक्लियर अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन, एग्जाम्पल इज एटम बॉम्ब। अब दूसरा आता है कंट्रोल्ड, लेकिन अगर आप देखें, अगर हमने इसमें जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है उसको अगर हमने एब्जॉर्ब कर लिया, अब देखिए अगर मान लीजिए हमको हमारे हिसाब से रिएक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन्स है उसको किसी जरिए से एब्जॉर्ब करा लेते हैं। तो होगा ये कि आपने एक न्यूट्रॉन डाला, वो दो हिस्सों में टूटा तो एक न्यूट्रॉन जनरेट होगा, तीन जनरेट होंगे, आपने दो को एब्जॉर्ब कर लिया, फिर एक आगे बढ़ेगा वो तीन जनरेट करेगा, फिर आपने दो को एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस वजह से जो एक से तीन, तीन से नौ, नौ से 27 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मल्टीपल ऑफ 3 में पढ़ रहा था, ये चेन जो है जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही थी ये लीनियर प्रोग्रेशन में बढ़ने लगेगी, एक से एक, एक से एक, एक से एक। तो जब हम इस तरह से न्यूट्रॉन्स को, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को अवशोषित करके, एब्जॉर्ब करके न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तब उसे हम कहते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जब हमने कुछ भी न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं किया तो अनकंट्रोल्ड, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ी तो अनकंट्रोल्ड, और अगर आपने एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो कंट्रोल्ड, यानी कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, अब बात आती है कि कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसको आप जहां पर भी रिएक्टर में आप विखंडन करवा रहे हो उन एलिमेंट्स को आप डालेंगे तो जितने एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, आप न्यूक्लियर रिएक्टर में उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उनको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये दो हो गए कंट्रोल एंड अनकंट्रोल। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिएगा, एक और इसमें कॉन्सेप्ट होता है क्रांतिक द्रव्यमान का, यानी कि क्रिटिकल मास का। मतलब क्रिटिकल मास अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो इट इज़ द मिनिमम मास या मिनिमम मास ऑफ द फिजाइल मटीरियल। ठीक है, जिसके ऊपर अगर फिजाइल मटेरियल आप इस्तेमाल करते हो तो एनर्जी बहुत एग्रीवेट हो जाती है, बहुत एक्सेलरेट हो जाती है और एक्सप्लोजन हो सकता है। तो क्रिटिकल मास वो मास होगा जो स्पॉन्टेनियसली चेन रिएक्शन को कैरी ऑन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, इससे कम अगर मान लीजिए आपने फिजाइल मटेरियल या फिजाइल मटेरियल समझ रहे विखंडन सामग्री अगर आपने ली तो चेन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। उतना कम से कम, मान लो कहीं किसी रिएक्टर में बोल दिया कि भाई कम से कम 100 ग्राम फिजाइल मटेरियल होना चाहिए, उससे कम होगा तो चेन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब अगर आपने उससे कम लिया तो चेन रिएक्शन नहीं होगा, अगर लिया तो फिर अपने आप चेन रिएक्शन होगा। ठीक है, लेकिन ये मास बहुत ज़्यादा हो गया मान लीजिए तो फिर एक्सप्लोजन के चांसेस हैं। तो इसी को हम कहते हैं क्रांतिक द्रव्यमान या क्रिटिकल मास। ठीक है, तो कंट्रोल्ड हो गया, अनकंट्रोल्ड हो गया। अब देखिए कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर ही मेन सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी का, जो मैन मेड सोर्स है अर्थ पर मौजूद। हम जो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल इंडिया में या दुनिया में कर रहे हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर से उत्पन्न या जनरेटेड न्यूक्लियर एनर्जी का कर रहे हैं, जिसमें क्या इस्तेमाल होता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो एक लाइन में पूछा जाए कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है, तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो हम सबसे पहले बेसिक न्यूक्लियर रिएक्टर को समझते हैं, फिर हम देखेंगे उसकी टाइप्स को। सो आप देख सकते हैं आपके सामने एक बेसिक न्यूक्लियर रिएक्टर का एक स्कीमेटिक है। इट इज बेसिकली अ बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। आई वुड चेंज द कलर ऑफ द पेन नाउ। एक बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर क्या होता है मैं टाइप्स में आपको बताऊंगी, मैं एक स्कीमेटिक बताती हूँ। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर चेन
रिएक्शन जो कंट्रोल वाली उस पर आधारित रिएक्टर है जो कि मेनली पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ दूसरे नए न्यूक्लियर फ्यूल्स की जनरेशन के लिए, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर का सिर्फ पावर जनरेशन काम नहीं है, याद रखिएगा, पावर जनरेशन के अलावा भी एक्सपेरिमेंटली नए नए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, नए नए जो फिजाइल मटेरियल्स होते हैं, उनको जनरेट करने के लिए भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स का एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ प्रपल्शन के लिए, रॉकेट प्रपल्शन के लिए और दूसरे प्रपल्शन के लिए फ्यूल के तौर पर भी इस पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए हम फ्यूल का इस्तेमाल कर सकें प्रोपल्शन के लिए। ठीक है, तो देर आर मेनी लाइक यूजेस विच आर एनवी सैच फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर, बट प्रेजेंटली इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो हो रहा है वो पावर जनरेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हो रहा है। तो इस तरह से आप स्केमेटिक यहाँ पे जो देख रहे हैं वो बेसिकली इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से लिंक करता है। तो पहले हम इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते होंगे यहाँ पे एक कंटेनमेंट स्ट्रक्चर है जो कि नॉर्मली सीमेंट का बना होता है, बहुत हाईली टाइटली ये पैक्ड होता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन से गामा रेडिएशंस निकलती हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं, रेडिएशंस आर वेरी हार्मफुल। जस्ट टू लॉक द रेडिएशन इनसाइड द रिएक्टर, ये कंटेनमेंट चैम्बर होता है, और उसके बाद इसके अंदर है ये रिएक्टर वेसल। जनरली ये जो रिएक्टर वेसल होता है सिलिंड्रिकल शेप होता है जिसके अंदर हम डालते हैं न्यूक्लियर फ्यूल। अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, मतलब विखंडन की सामग्री, मेन फ्यूल, वो ईंधन, वो उसने उसके लिए जनरली हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं या प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, या तो यूरेनियम 235 या तो प्लूटोनियम 239, जनरली यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूल इस रिएक्टर के अंदर रखा रहेगा जो कि यूरेनियम 235 है जनरली। पर ध्यान में रखिएगा कि यूरेनियम 235 जो होता है वो अर्थ पर इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होता, यूरेनियम 238 अवेलेबल होता है, और उसमें यूरेनियम 235 की थोड़ी बहुत मात्रा होती है। मान लीजिए 1000 ग्राम यूरेनियम 238 है तो उसमें यूरेनियम 235 की जो मात्रा होती है वो 3.5 ग्राम के करीब होती है, 1000 ग्राम में 3.5 ग्राम यूरेनियम 235। अब यूरेनियम 238 अबंडेंटली अवेलेबल है, 235 अबंडेंटली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप पूछेंगे 238 को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। 238 क्या है, अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो जो फ्री न्यूट्रॉन आ रहा है, ठीक है, जो फ्री न्यूट्रॉन आ रहा है वो उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो टूटता नहीं है। अभी क्या हो रहा था, यूरेनियम 235 में आपने एक न्यूट्रॉन ऐड किया तो वो 236 हो गया, धीरे 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 वो टूटा, बेरियम क्रिप्टॉन के बाद 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो गए तो वो अनस्टेबल हुआ, भारी हुआ इस वजह से। लेकिन 238 में आप लेंगे ना तो एक न्यूट्रॉन जो वो बड़े आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर लेता, वो आसानी से टूटता नहीं है, तो इट इज़ नॉट दैट फिजाइल। सो डू रिमेंबर 235 फिजाइल है, 238 नहीं, पर अर्थ पर 238 अवेलेबल है, 235 कम है। हम जो ओवर इस्तेमाल करते हैं, जो पिच ब्लेंड का इस्तेमाल होता है और उसमें 238 रहता है जिसमें 3.5 ग्राम, 1000 प्रति 1000 ग्राम 3.5 ग्राम आपका यूरेनियम 235 होता है। अब उसको क्योंकि हमको 235 ही चाहिए इसलिए लेबोरेटरी में यूरेनियम 235 की मात्रा उसमें बढ़ाई जाती है, तो 3.5 ग्राम से उसे 7 ग्राम किया जाता है, तो भी बहुत ज़्यादा हम बढ़ा नहीं सकते। तो ये जो मात्रा बढ़ाई जाती है यूरेनियम 235 की, इसी को हम कहते हैं एनरिच्ड यूरेनियम। आपने ओर से पिच ब्लेंड से निकाला यूरेनियम, कौन सा निकला 238, ठीक है, 1000 ग्राम में 3.5 ग्राम 235 है, ठीक है। अब इसमें लेबोरेटरी में हम यूरेनियम 235 की मात्रा को 3.5 ग्राम से 7 ग्राम करेंगे, यानी 0.35% से 0.7% हम कर देंगे। तो ये जो 3.5 से हम 7 ग्राम इसको कर रहे हैं, 0.35 से 0.7% जो बढ़ा रहे हैं और यूरेनियम 235 की मात्रा को, इसी को हम कहेंगे एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। तो नया जो फ्यूल तैयार होगा वो एनरिच्ड यूरेनियम होगा जो कि इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। तो यूरेनियम 235 नॉर्मली यहाँ पे इस्तेमाल होता है फ्यूल के तौर पर। ठीक, अब आपने इसमें रख दिया क्रिटिकल मास जितना रिक्वायर्ड होगा अलग अलग रिएक्टर के लिए, उतना आपने रख दिया, वहाँ पे एक न्यूट्रॉन डाल दिया, श्रृंखला अभिक्रिया स्टार्ट हो गई। अब श्रृंखला अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसका अनकंट्रोल्ड होने के चांसेस रहेंगे, तो हमको क्या चाहिए, अनकंट्रोल्ड नहीं चाहिए, हमको कंट्रोल्ड चाहिए। उस कंट्रोल को करने के लिए इसमें डाले जाते हैं ये कंट्रोल रॉड्स।
अभी मैंने बोला था ना एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो कंट्रोल रॉड्स के तौर पर यहाँ पे ठीक है बोरॉन और कैडमियम के रॉड्स डाले जाते हैं इसमें, ठीक है यहाँ मैं लिख देती हूँ। तो अभी मैंने कहा कि फ्यूल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम 235, वो भी एनरिच्ड वाला जो यूरेनियम 238 से आया। उसके बाद हमने रिएक्टर में जो रॉड्स देखे थे उनको हम कहते हैं कंट्रोल रॉड्स, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बोरॉन या फिर कैडमियम, ठीक है। टाइम टाइम पे जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ता जाता है तो इनको इंसर्ट कर दिया जाता है, जैसे ही एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि एक बस छूटे और वो रिएक्शन कंट्रोल तरीके से हो सके, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ और एलिमेंट भी डाला रहता है जिसको हम कहते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर या हिंदी में इसे कहा जाता है मंदक। अब मॉडरेटर का क्या काम है समझिए, रिएक्टर के अंदर फ्यूल हो गया, कंट्रोल रॉड हो गए, तो समझ में आ गया मॉडरेटर का क्या काम है। दरअसल जब यूरेनियम टूटता है और जो न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं आगे की श्रृंखला अभिक्रिया को कंटिन्यू करने के लिए, तो जो नए न्यूट्रॉन जनरेट हुए उनकी गति बहुत ज़्यादा होती है। और हमने शुरू में ही पढ़ा कि जो मेन यूरेनियम टूटता है वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से यानी मंद गति से घूमते न्यूट्रॉन से ही टूटता है। इसका मतलब जो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनकी स्पीड को कम करने की ज़रूरत है आगे की चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। तो बस इसी के लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। उस चेंबर में आपने देखा होगा पानी जैसा कुछ भरा हुआ था कंट्रोल रॉड्स के बीच बीच में, तो वो पानी मॉडरेटर के तौर पर जनरली D2O या H2O का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में ज़्यादातर आपके D2O का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है, हम कार्बन मॉडरेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। H2O से ज़्यादा D2O और ग्रेफाइट। मॉडरेटर के तौर पर आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी जिसको हम भारी जल कहते हैं, हैवी वाटर कहते हैं, या तो वो इस्तेमाल होता है या तो ग्रेफाइट रॉड्स होते हैं उनको डाल दिया जाता है। तो होता यह है कि जैसे ही न्यूट्रॉन तीन ठोक जनरेट हुए, दो को एब्जॉर्ब कर लिए कंट्रोल रॉड ने, अब एक बहुत तेज गति से, अब आपने वहाँ पे ग्रेफाइट भर दिया या भारी जल या हैवी वाटर भर दिया, तो वो जो होगा इसकी गति को थोड़ी धीमी कर देगा। अब फ्यूल रॉड्स, एक रॉड यहाँ पे एक रॉड यहाँ पे, अब अगर आपने बीच में भारी जल भर दिया है तो वो न्यूट्रॉन धीरे 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 करके दूसरे फ्यूल रॉड तक जाएगा, इस वाले यूरेनियम रॉड तक वो बाद में जाएगा, नहीं रहता तो जल्दी से जा करके वो टकरा जाता, ठीक है। तो वो न्यूट्रॉन की स्पीड को मंद करने के लिए मंदक के तौर पर इसमें ड्यूटेरियम ऑक्साइड या ग्रेफाइट डाला जाता है रिएक्टर के अंदर। तो रिएक्टर के अंदर फ्यूल हो गया, कंट्रोल रॉड हो गया और मॉडरेटर हो गया। फ्यूल के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, इसके लिए कंट्रोल रॉड के लिए और मॉडरेटर के लिए क्या क्या होता है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो इस तरह से यहाँ पर आपने कंट्रोल चेन रिएक्शन को अंजाम दे दिया, आपने जो भी ज़रूरी चीज़ें थी उन सबको वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ से होगा हीट जनरेशन। अभी आपने देखा था कि हीट जनरेशन होता है, क्रिटिकल मास आपने ले लिया हर एक आपके फिजन के साथ, करीब करीब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो हीट जनरेट होगी, ठीक। अब जो हीट जनरेट होगी इस हीट से पानी को बॉयल किया जाता है। कैसे बॉयल किया जाता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा एक वाटर का सिस्टम आपको बहता हुआ दिख रहा होगा, ये वाटर का सिस्टम है। यहाँ पे क्या होता है, एक पंप है, पंप से आपने रिएक्टर के अंदर पानी डाला, ठीक है, रिएक्टर में पानी डालते हैं। अब यहाँ से जो हीट जनरेट होती है वो पानी को गर्म करती है, जब पानी गर्म होगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से जो जा रही है वो स्टीम जा रही है, ठीक है। पानी गर्म होगा, पानी बॉयल होगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये स्टीम जब आगे जाएगी तो यहाँ पे लगा कर रखा है इन्होंने टरबाइन, टरबाइन को ये स्टीम रोटेट करेगी। अब ये जो टरबाइन को स्टीम रोटेट कर रही है तो उसके बाद ये जो टरबाइन है ये जनरेटर से कनेक्टेड है, टरबाइन रोटेट होगा, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और वो आगे सप्लाई होगा। तो इस तरह से रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब स्टीम के जरिए आप टरबाइन रोटेट करवा रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवा रहे हो, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्टीम है उसको कंडेंस करके कंडेंसर रखा जाता है, जो स्टीम है इसको एक और वेसल में रखा जाता है, लाया जाता है जहाँ पे इसको कंडेंस कर लिया जाता है और ये फिर वापस पानी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर अब इस पानी का इस्तेमाल क्या किया जाता है, एक पाइपलाइन रहती है जो पूरे रिएक्टर के इर्द गिर्द डाली जाती है जो कि रिएक्टर को ठंडा रखती है। रिएक्टर को ठंडा रखना भी बहुत ज़रूरी है वरना एक्सप्लोजन के चांसेस हैं या लीकेज के चांसेस होते हैं इसमें। और ये जो पानी रिएक्टर को ठंडा रखता है इसी को हम कहते हैं कूलेंट। तो
रिएक्टर ने पानी को बॉइल किया, पानी बॉइल हुआ था स्टीम में कन्वर्ट हुआ, उसने टर्बाइन रोटेट किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, अब जो पानी जो स्टीम है वो पानी में वापस कंडेंस कर दी गई, अब ये जो ठंडा पानी है वो जाकर के रिएक्टर एक और पाइपलाइन का सप्लाई होता है जो रिएक्टर के भी घूमता है, जो रिएक्टर को ठंडा रखता है। तो रिएक्टर के तौर पर भी H2O का इस्तेमाल किया जाता है पानी का, ठीक है। तो मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड, फ्यूल, कोलेंट के तौर पर क्या इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये बेसिक बॉइलिंग वाटर रिएक्टर था। अब बात आती है जो मैं बार बार कह रही हूँ, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, तो इसके अलावा कौन से और रिएक्टर्स होते हैं, अब उनको देखते हैं। जो नॉर्मल रिएक्टर बेसिकली सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था वो बॉइलिंग वाटर ही था। तो पहला टाइप तो हो गया बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, जिसमें रिएक्टर से आपने पानी को बॉइल किया और स्टीम जनरेट कर ली। दूसरे टाइप का रिएक्टर जो आजकल के सारे पावर प्लांट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है वो है PHWR, यानी कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। फुल फॉर्म में लिख नहीं रही हूँ, आप लोग सुन करके नोट डाउन कर लें, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। और तीसरा जो अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ही है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में, वो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तीन तरह के रिएक्टर्स, बेसिक बॉइलिंग वाटर, दूसरा PHWR जो अभी इंस्टॉल्ड है मैक्सिमम जगह पे, और नया जो एक्सपेरिमेंटली जो हमारे हमने एनविसैज किया कि हम किस तरह के रिएक्टर्स लाएंगे, तो वो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इनको पहले समझिए डिफरेंस क्या होता है क्विकली। अभी जो बताया मैंने वो बॉइलिंग वाटर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में दो फर्क होते हैं। पहला ये, अभी आपने देखा था कि रिएक्टर के अंदर ही आपने फ्यूल रख दिया था, वहीं पर पानी को उबाल रहे थे आप, ठीक है, वो बॉइलिंग वाटर। लेकिन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में क्या करते हैं, हम जिस रिएक्टर में फ्यूल रहता है वहां से दूसरे एक वेसल को हीट करते हैं जिसमें पानी भरा रहता है। मतलब स्टीम जनरेटर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में रिएक्टर के अंदर ही रहता है, जबकि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में स्टीम जनरेटर रिएक्टर के बाहर दूसरे वेसल में रहता है, वहाँ से पानी उबाला जाता है, हीट यहाँ से ली जाती है, पानी यहाँ से उबाला जाता है। ये पहला डिफरेंस। दूसरा, हैवी वाटर रिएक्टर बोला जाता है तो ये जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है ये नॉर्मल वाटर नहीं है, ये D2O है, यानी कि हैवी वाटर है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ठीक। और तीसरा वर्ड जो आपको इसमें दिख रहा होगा, प्रेशराइज, मैंने दो कहा था, तीन डिफरेंस। तीसरा प्रेशराइज्ड, प्रेशराइज मतलब इस स्टीम जनरेटर में जो भारी जल रखा गया है ये हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर में रखा जाता है। हाई प्रेशर में इसलिए रखा जाता है ताकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा बढ़ जाए। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो अलग स्टीम जनरेटर में प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में पानी को उबालते हो तो ऊपर बहुत प्रेशर डाला जाता है जिससे बॉइलिंग पॉइंट 100 की जगह 300 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो 300 डिग्री हीट जब आप उसको सप्लाई करेंगे तब जाकर के पानी बॉइल होगा, ठीक। तो ये डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या, स्टीम जनरेटर बाहर रहता है। दूसरा डिफरेंस क्या, इसमें D2O का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा डिफरेंस किया, D2O हाई प्रेशर में रखा जाता है जिससे बॉइलिंग वाटर 100 की जगह 300 डिग्री हो जाता है। तो ज़्यादातर ये जो रिएक्टर्स होते हैं ये काफ़ी स्टेबल होते हैं और इसीलिए बॉइलिंग वाटर की जगह पे इनका इस्तेमाल दुनिया में हर जगह अब किया जा रहा है। आप कहेंगे कि भाई 100 डिग्री की जगह 300 डिग्री से आपका स्टीम जनरेट हो रही है तो पहले वाला ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी पहले की ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन उसमें क्या होते हैं ना, उसमें एक्सीडेंट्स के बहुत चांसेस होते हैं, उसमें एक्सप्लोजन्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसकी अनस्टेबिलिटी, उसको रन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसका मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है। PHWR जो होते हैं उसमें क्योंकि एक ज़्यादा हीट के बाद धीरे से स्टीम जनरेट होता है तो दैट इज़ मोर कंट्रोलेबल, दैट इज़ मोर मैनेजेबल, दैट इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ओवर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ठीक। इसका एक स्कीमेटिक आपको दिखेगा, तो यू कैन सी द स्कीमेटिक, बिल्कुल सब सेम है। कंटेनमेंट चैम्बर है, एक रिएक्टर है, कंट्रोल रॉड्स है, बट देखो स्टीम जनरेटर अलग है। यहाँ पे स्टीम जनरेटर अलग है, यहाँ से हीट ले रहे हैं और स्टीम जनरेटर से हीट स्टीम जनरेट कर रहे हैं, फिर वो स्टीम जाकर के टर्बाइन को रोटेट कर रही है, ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, एक और इसका एडवांटेज ओवर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर ये होता है कि स्टीम जनरेटर वाला पानी अलग होता है, कूलेंट वाला पानी जो होता है वो अलग होता है। कूलेंट के लिए हम नॉर्मल H2 इस्तेमाल कर लेते हैं और वहाँ पर जो स्टीम जनरेट होता है उसमें हम कूलेंट के लिए H2O और स्टीम जनरेटर में हम D2O का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसा होता है कि कूलेंट वाली जो सप्लाई लाइन है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से या रेडिएशन से कंटामिनेट नहीं होती, प्रदूषित नहीं होती, ठीक है। तो कूलेंट वाली पूरी लाइन जो है वो रेडिएशन फ्री हो जाती है, तो इसलिए ये ईजिली मैनेजेबल होता है। आप समझ पा रहे हैं डिफरेंस, स्टीम जनरेटर अलग है, हाई प्रेशर में रखा गया है, कूलेंट की पाइपलाइन अलग है और स्टीम जनरेटर की पाइपलाइन अलग है, ठीक।
तो ये तो हो गए ये दो, और मैंने आपको दोनों के कंपैरिजन भी बता दिए। इसके बाद तीसरा जो मैंने बोला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ही है। मद्रास का जो आपका पावर प्लांट है कल्पक्कम पावर प्लांट, वहाँ पर एक मिक्स कार्बाइड और सोडियम कूलेंट वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लगा, अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुआ है। ये क्या होता है पहले समझ लीजिए, फास्ट और ब्रीडर ये दो शब्द हैं। फास्ट का मतलब इसमें विखंडन करने के लिए फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहले क्या स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें फास्ट न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ब्रीडर इसलिए क्योंकि जितना फ्यूल कंज्यूम होगा, फिर नया फ्यूल पुराना फ्यूल ही जनरेट कर देगा। समझिएगा, जितना फ्यूल कंज्यूम होगा उतना फ्यूल नया जनरेट हो जाएगा, यानी फ्यूल विल ब्रीड फ्यूल, ब्रीडिंग हो रहा है। जैसे कि आपने कोई जानवर की ब्रीडिंग कराई तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा अपने आप जनरेट, और आपको नया जो है मटेरियल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रीडिंग हो रही है फ्यूल की, आपने एक यूनिट फ्यूल लाया। पहले क्या होता था, यूरेनियम एक यूनिट टूट गया तो टूट गया, उसका कोई और इस्तेमाल नहीं। बेरियम क्रिप्टॉन को नहीं तोड़ते आप, आपको नया यूरेनियम डालना पड़ेगा, ये उतना ज़्यादा यूरेनियम डालना पड़ेगा ताकि वो चेन रिएक्शन हो जाए कि क्रिटिकल मास को आपको रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ब्रीडर रिएक्टर में आपने एक यूनिट डाला, वो ना सिर्फ न्यूट्रॉन जनरेट करेगा, वो ना सिर्फ एनर्जी जनरेट करेगा, बल्कि वो एक यूनिट फ्यूल जो है वो दूसरे फ्यूल को भी जनरेट करेगा। फ्यूल विल जनरेट फ्यूल, इसलिए ब्रीडर रिएक्टर। नॉर्मली इसमें या तो फिर यूरेनियम 238 का इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम 238 में एक न्यूट्रॉन डाल देते हैं तो यूरेनियम 238 जो है वो यूरेनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है और चेन रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है। या फिर इसके लिए थोरियम 232 का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। याद रखिएगा, इंडिया में थोरियम 232 का बहुत ज़्यादा जो है अबंडेंट इसकी अवेलेबिलिटी है। आपने सुना होगा सैंड जो है हमारे कोस्टल एरियाज केरला के, वहाँ पे आपको थोरियम जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो थोरियम 232 जो है एक बहुत अच्छा फिसाइल मटेरियल होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए। थोरियम 232 में आप एक न्यूट्रॉन डालते हो तो वो यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कह रही हूँ मैं, या तो आप 238 यूरेनियम लो, इसमें न्यूट्रॉन डालने से ये प्लूटोनियम जो है 239 में कन्वर्ट हो जाएगा, या आप थोरियम 232 लीजिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका यूरेनियम 233 में। और इस तरह से 238 यूरेनियम 232 थोरियम से चेन रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। फ्यूल विल ब्रीड फ्यूल, एनर्जी में मिल रही, न्यूट्रॉन भी मिल रहा, फ्यूल भी मिल रहा। अच्छा, इसका जो बम्बार्डमेंट होगा वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से होगा। अब जल्दी जल्दी होगा तो फ्यूल भी जल्दी जल्दी जनरेट होता जाएगा, ठीक है। हाँ, कंट्रोल रॉड वगैरह का जो कंट्रोलिंग वाला पावर है, मॉडरेटर का जो इस्तेमाल है, ये सारी टेक्नोलॉजिकल पार्ट है जिसकी वजह से अभी तक के इसको हम फाइनली पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल में प्रैक्टिकली ला नहीं पाए, ठीक है। अभी इस पर रिसर्च कर रही है कि किस तरह से हम इसको फिजिबल बनाएं, कैसे प्रैक्टिकल बनाएं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूरेनियम 238, थोरियम 232, चेन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, फ्यूल विल ब्रीड फ्यूल, न्यूट्रॉन फास्टली इसमें बम्बार्ड किए जाएंगे, ठीक है। तो एक स्कीमेटिक जो वहाँ पर है कल्पक्कम में, ठीक है, वैसा ही स्कीमेटिक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैंने कहा था ना कि सोडियम को कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मिक्स कार्बाइड रॉड उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखिए एक रिएक्टर का कोर है, और ये रिएक्टर में आपने कंट्रोल रॉड्स डाल दिए, रिएक्टर में फ्यूल डाल दिए, कूलेंट के तौर पर आपने सोडियम, लिक्विड सोडियम डाला। एक बैफल है, यू टर्न वाला आपका एक चेंबर है जिसमें आप लिक्विड सोडियम को पंप करेंगे। अब जब लिक्विड सोडियम यहाँ से जाएगा और अंदर रिएक्शन हो रहा होगा, विखंडन का चेन रिएक्शन हो रहा होगा, तो इस वजह से ये चेंबर गर्म हो जाएगा, तो लिक्विड सोडियम भी जो है वो भी गर्म हो जाएगा। अब लिक्विड सोडियम जो गर्म हो गया है, उसे अलग से एक हीट एक्सचेंजर वाले वेसल में आप भेजोगे जहाँ से हीट को जनरेट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिक्विड सोडियम यहाँ जब जा रहा है तो यहाँ पर हीट किससे जनरेट हो रही है, वाटर से। यहाँ पर आपने सोडियम डाला, सोडियम गर्म हो गया, अब यहाँ डाला तो यहाँ पे वाटर है, ये गर्म सोडियम पानी को गर्म कर देगा, पानी को बॉयल कर देगा, और वो बॉयल्ड वाटर से स्टीम जनरेट होगी जिससे आगे जनरेटर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये एक स्कीमेटिक है जो एक तरह से परिकल्पना की गई है, बनाया जा रहा है, एक हद तक ये चीज़ें हो चुकी है पर फाइनलाइज अभी नहीं हुई है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की, ठीक है। बहरहाल आपको बेसिक चीज़ें जानना है, टाइप्स जान लें, फ़र्क जान लें, डिफरेंस जान लें। अब जाहिर सी बात है, अगर ये हम इसमें सक्सेसफुल हो गए तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे न्यूक्लियर फ्यूल में, ठीक है। हमें न्यूक्लियर फ्यूल की मात्रा जो है वो बहुत कम लगेगी, इट विल बी अ वेरी चीप प्रोसेस,
ठीक है, तो होप सो कि हम इसमें बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएं। सो अगला है नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया कि ये क्या है, जब हम स्टेबिलिटी ग्राफ देख रहे थे, जितने लाइटर अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, जो आपके अस्थिर न्यूक्लियस होते हैं पर लाइट होते हैं, उनमें नाभिकीय विखंडन की जगह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अक्सर देखी जाती है। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा बनाएंगे, बस वही चीज़ न्यूक्लियर फ्यूजन है। आप देख सकते हैं स्कीमेटिक में, इस डायग्राम में, कि ड्यूटेरियम मतलब हाइड्रोजन का, ये सभी जानते हैं कि एक आइसोटोप होता है। ट्राइटियम, ये भी हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है, ठीक है। ड्यूटेरियम एक हैवी हाइड्रोजन, ट्राइटियम भी एक हैवी हाइड्रोजन, जिसमें एक एक करके जो है मास नंबर इसका एक्स्ट्रा होता है, ठीक। तो अगर मान लीजिए एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम, जो कि दो छोटे आइसोटोप्स हैं, तो अनस्टेबल होंगे, दो छोटे अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए जब कंबाइन करेंगे, तो इसी कॉम्बिनेशन को आप फ्यूजन या संलयन कहते हैं। कॉम्बिनेशन के बाद आपको इससे मिलेगा हीलियम। तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जब कंबाइन करें तो आपको मिला हीलियम, जिसका मास नंबर होगा 4। और आप देख सकते हैं 3+2 5 होना चाहिए, मिला 4, मतलब मिल गया आपको मास डिफेक्ट 1 का। अब ये जो मास डिफेक्ट आया है वो किस में कन्वर्ट होगा? एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और ये न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है, 1 का जो मास डिफेक्ट मिला वो क्या है? एक न्यूट्रॉन है जो रिलीज हो गया। तो यही जो रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन, इसको आप कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। दो छोटे न्यूक्लियर मिल रहे हैं, एक बड़ा न्यूक्लियर बना रहा है और फी न्यूट्रॉन को जनरेट कर दे रहा है, ठीक। अब ये जो चीज़ हुई, इसमें कितनी एनर्जी जनरेट होगी? जब ये हीलियम बनेगा, जैसे कोलाइडोर करके हीलियम बनेगा, तो इसमें करीब 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होगी। और ये जो न्यूट्रॉन है, ये बहुत तेज़ गति से आएगा, ध्यान में रखें। तो न्यूट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो होगी 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुल मिलाकर के एक फ्यूजन की रिएक्शन से करीब 17.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होगी। 17.59 करीब 17.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक छोटे से संलयन की अभिक्रिया से जनरेट होगी, ठीक है। आप एक एनिमेशन के जरिए भी इसको देख सकते हैं। ट्राइटियम है, ड्यूटेरियम है, ये दोनों जाके जब कंबाइन करेंगे तो होगा फ्यूजन, आपको मिल जाएगा हीलियम और एक फ्री न्यूट्रॉन, ठीक। और साथ ही साथ करीब करीब 17.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। अब बात आती है कि फ्यूजन फिजन दोनों देख लिया, फ्यूजन में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ये चीज़ अपने आप होती है? और अगर अपने आप होती है तो आपको तो हर जगह अर्थ पे मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। फ्यूजन अपने आप नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो, कोई एक बड़ी अनस्टेबल चीज़ को तोड़ना आसान है, पर छोटी छोटी अनस्टेबल चीज़ को जोड़ना मुश्किल है। तोड़ना आसान होता है, जोड़ना मुश्किल होता है, ठीक है। डोंट गो इन टू फिलोसफी, ठीक है। वापस इसी में आती हूँ मैं। बहरहाल, दो छोटे न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोटॉन होता है ना, उसमें न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो कैसे कंबाइन करोगे? इसमें तो विकर्षण होगा ना, प्रतिकर्षण होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। तो जैसे कि वो बाइंडिंग एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। तो दो न्यूट्रॉन को, दो न्यूक्लियस को कंबाइन करने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए बहुत हाई हीट की ज़रूरत पड़ती है। करीब 10^7 केल्विन हीट की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर के ये कंबाइन होते हैं। मतलब नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के लिए बहुत ज़्यादा ताप की ज़रूरत होती है, जिसकी मात्रा करीब 10^7 केल्विन होता है। उतना नहीं होगा तो कभी ये दो न्यूक्लियस कंबाइन नहीं होंगे, और इतनी मात्रा में हीट अर्थ पर पॉसिबल नहीं है। ये कहाँ पॉसिबल है? सन में। जी हाँ, सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन ही होता है। वहाँ पर जो हाइड्रोजन्स होते हैं, हाइड्रोजन कंबाइन करके ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बनाते हैं, और ये कंबाइन करके हीलियम बनाते हैं, और लगातार एक के बाद एक वो कंबाइन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो सन में ये पॉसिबल है, अर्थ में पॉसिबल नहीं। तो बात क्या हुई यहाँ पर? फ्यूजन के लिए आपको एक न्यूट्रॉन की ज़रूरत है, और फ्यूजन के लिए यहाँ पे हीट की ज़रूरत है। फ्यूजन तो भी पॉसिबल है, क्योंकि न्यूट्रॉन आप इंड्यूस कर सकते हो, पर फ्यूजन स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी हीट अर्थ पे अटेन करना नामुमकिन के करीब, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर नामुमकिन को भी हमने मुमकिन कर दिखाया हाइड्रोजन बॉम्ब बना करके। जी, फ्यूजन पर भी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। और जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब बनाया, तो सबसे पहले इंसान का जो दिमाग होता है, टेक्नोलॉजी जब उसे आती है,
तो वो नेगेटिव तरफ ज़्यादा जल्दी अग्रसर होता है कि हम अपने आप को ताकतवर कैसे बना लें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोक कल्याण से ज़्यादा लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ताकतवर कैसे बन जाएं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए भी एक्सपेरिमेंट पब्लिक वेलफेयर से ज़्यादा हुए, से ज़्यादा किस तरफ हुए कि हम उसे वेपन कैसे बना सकें। तो न्यूक्लियर वेपन बना लिया गया जो कि है हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन बॉम्ब, ये एक हाइड्रोजन बॉम्ब का स्कीमेटिक है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगी, पहले ये समझ लें, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना फ्यूजन फ्यूजन में, एक बाद में एक डिफरेंस टेबल बना लेना, मैं यहाँ बना रही हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी क्लास, वैसे भी बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन आप पॉज पॉज करके ये सुनिएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखो, फ्यूजन के जरिए एटम बॉम्ब बनाया गया न्यूक्लियर वेपन के तौर पर, और फ्यूजन के जरिए हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया गया। ये दोनों के एक्सप्लोजन से जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हीं को कहा जाता है न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। ठीक है, कई बार ये टर्म आता है न्यूक्लियर होलोकॉस्ट क्या है, तो न्यूक्लियर वेपन के जरिए जब एक्सप्लोजन होता है तो उस टाइम जो सर्कमस्टांसेस उत्पन्न होते हैं, जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, उसी को न्यूक्लियर होलोकॉस्ट कहते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया कैसे गया, जब मैंने कहा कि 10^7 केल्विन की हीट पॉसिबल नहीं है अर्थ पर अचीव करना, तो क्या किया जाता है, पहले इस बॉम्ब के अंदर न्यूक्लियर फिजन किया जाता है और फिजन से इतनी हीट जनरेट हो जाती है कि फिर से फ्यूजन किया जाता है। आप इसमें देख सकते होंगे इसमें यूरेनियम लिया गया है, यूरेनियम के बाद यहाँ पर न्यूट्रॉन लिया गया है और हैवी हाइड्रोजन लिथियम केसिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये न्यूट्रॉन क्या करते हैं, इस यूरेनियम को बम्बार्ड करते हैं, फ्यूजन करते हैं, फ्यूजन से जितनी हमको हीट चाहिए 10^7 केल्विन हीट जनरेट हो जाती है और फिर जो हीट है उसके ज़रिए हाइड्रोजन जो है इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन किया जाता है और वो अनकंट्रोल हो जाता है और ये ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए हमने हीट जनरेट की, उसके बाद फ्यूजन किया। ठीक है, अब ध्यान में ये रखिए कि फ्यूजन से जो एनर्जी रिलीज होती है वह फिजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। मैं रिपीट करती हूँ इस लाइन को, संलयन से जो ऊर्जा जनरेट होती है वो विखंडन से जो ऊर्जा जनरेट हो रही है उससे ज़्यादा होती है। ठीक, अगर हम न्यूक्लियॉन की बात करें तो एक फिजन में यानी एक विखंडन में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जनरेट होती है, जबकि एक फ्यूजन में 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जनरेट होती है। विखंडन होता है तो एक न्यूक्लियॉन में जो प्रति न्यूक्लियॉन एनर्जी जनरेट होती है वो 1 होती है 1। ठीक है, यहाँ पे मैं साफ में दिख रहा हूँ तो 1, जबकि जब फ्यूजन होता है तो प्रति न्यूक्लियॉन जो एनर्जी होती है वो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और इसलिए कहा जाता है फ्यूजन से ज़्यादा एनर्जी, फ्यूजन से कम। तो अब आप सोचिए कि जो बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए थे हिरोशिमा नागासाकी में जिसने इतनी तबाही मचाई थी वो एटम बॉम्ब्स थे, पर अब दुनिया में हर देश ने हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी बना लिए हैं। अब सोचिए अगर हाइड्रोजन बॉम्ब्स गिराए जाएं, जिस बॉम्ब का एक्सप्लोजन और डिज़ास्टर एटम बॉम्ब से ज़्यादा होगा तो आप सोच भी नहीं सकते, हमारी कल्पना से भी दूर है कि वो कितना ज़्यादा तबाही मचाएगा। ठीक है, तो एटम बॉम्ब से ज़्यादा हार्मफुल हाइड्रोजन बॉम्ब्स। ठीक है, तो ये तो बात हुई न्यूक्लियर होलोकॉस्ट की, फ्यूजन के नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन की एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। सो दैट इज इट, हमने न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजन, फ्यूजन, सारे एप्लीकेशंस, पॉजिटिव नेगेटिव सब पढ़ लिए। अब हम एक फटाफट से एक जो टॉपिक दिया गया है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, लाभ और हानि क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी से क्या लाभ और हानि हमें मिलती है उसकी तरफ नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम लाभ देखते हैं एक एक करके। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो पीढ़ियों से चली आ रही एनर्जी जो कि लिमिटेड है हमारे पास, उसकी जगह एक नई एनर्जी का स्रोत है, तो वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है, ये एक लाभ है। इसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आप 1 किलो कोयला बर्न करते हैं तो करीब 10^7 जूल्स एनर्जी निकलती है, लेकिन अगर आप 1 यूनिट यूरेनियम बर्न करते हो यानी कि उसको विखंडन करते हो तो करीब 10^14 जूल्स एनर्जी निकलती है। बहुत कम मात्रा में, देखो लो फ्यूल क्वांटिटी रिक्वायर्ड, कम मात्रा में आपके फ्यूल के रिक्वायरमेंट है और उसमें कई गुना ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। तो लो फ्यूल क्वांटिटी चाहिए, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है थोड़े से फ्यूल में। इसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती है, तो जो नॉर्मल जनरल एयर पोल्यूशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस से वो इससे नहीं होगा। ठीक, नॉट इंटरमिटेंट का मतलब ये होता है कि जैसे हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी में सोलर एनर्जी की भी बात करते हैं, विंड एनर्जी की भी बात करते हैं, पर अगर मान लीजिए पवन ऊर्जा, हम कोई ऐसा डिवाइस है जो पवन ऊर्जा पर आधारित है लेकिन अगर विंड चली नहीं रही है तो डिवाइस भी वर्क नहीं करेगा। सौर ऊर्जा पर आधारित है, सूरज निकला ही नहीं, बादल हैं, तो वो डिवाइस वर्क नहीं करेगा। बट वैकल्पिक ऊर्जा के इस स्रोत में ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंडीशनल है कि अगर मौजूद है तो ठीक है वरना नहीं। ठीक है, तो इट इज़ नॉट इंटरमिटेंट।
चीप टू रन, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा इंस्टॉलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, पर इसका जो दूसरे जो आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उसमें जो भी आपका डिवाइस होता है, जो भी आपके प्लांट्स होते हैं, उसकी रनिंग कॉस्ट जो होती है वो बहुत हाई हो जाती है। लेकिन इसमें अगर आपने एक बार इसे इंस्टॉल कर लिया तो फिर इसकी रनिंग कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक, अब कौन से पे आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा तो एमिट्स हार्मफुल रेडिएशंस, ठीक है, ना सिर्फ हीट बल्कि ये अल्फ़ा बीटा गामा जैसे रेडिएशन, खासतौर पर गामा रेडिएशन जो कि स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हैं वो एमिट करता है, जिससे हर तरह के जीव को नुकसान हो सकता है। इट कैन कॉज मल्टीफेरस लाइक हार्म्स टू द एनवायरमेंट, टू द एंटायर ह्यूमैनिटी, ठीक है। एक्सीडेंट्स कैन बी डिजास्ट्रस, आपने सुना होगा 2011 का फुकुशिमा का जापान का हादसा, चेर्नोबिल हादसा आपने सुना होगा, ऐसे बहुत सारे हादसे हुए जिसमें हमको समझ में आता है कि हम टेक्नोलॉजी में इसको इसमें आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन अगर हम उसे हैंडल नहीं कर पाए तो एक बहुत बड़ा हादसा सामने आ सकता है, जिससे ना सिर्फ उस वक्त मौजूदा लोग बल्कि उनके आगे बार आने वाली पीढ़ियां भी सफ़र कर सकती हैं, क्योंकि रेडिएशन जो है वो जेनेटिकली आगे की पूरे जेनरेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ठीक है, तो एक्सीडेंट्स अगर हुए, अगर अनमैनेजेबल हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ, तो डिजास्ट्रस होता है। न्यूक्लियर वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की न्यूक्लियर वेस्ट है, इसकी न्यूक्लियर वेस्ट जो भी रेडिएट जितने मतलब जैसे पानी है, ठीक है, आपने पानी को गर्म किया स्टीम जनरेशन के लिए पर उसमें रेडिएशंस मिक्स हो गई। अब उस गर्म पानी को जब आप डालते हो किसी नदी या तालाब में तो थर्मल पोल्यूशन हो जाता है, या फिर रेडियो एक्टिविटी की वजह से जो फिशेज होती हैं, फिश होती है, वो सबको हार्म पहुंचता है। तो न्यूक्लियर वेस्ट का जो डिस्पोजल है वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है और इसको अभी तक के हम टेक्निकली अचीव नहीं कर पाए प्रॉपरली। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है जिसमें रेडिएशंस रहती हैं। एक्सपेंसिव टू बिल्ड, रन करना चीप है लेकिन इसका बिल्ट अप जो होता है वो बहुत, क्योंकि हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो इसका बिल्ट अप जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। न्यूक्लियर पोल्यूशन, जैसे कि मैंने कहा थर्मल पोल्यूशन कॉज करता है, गर्म पानी को आप डालोगे तो थर्मल पोल्यूशन होगा, और उसके अलावा रेडिएशन, जहाँ पर भी ये पानी जाएगा ये रेडिएशन एयर पोल्यू, अगर मान लीजिए लीक हो गई तो एयर पोल्यूशन कॉज करेंगी, पानी के जरिए वाटर पोल्यूशन कॉज करेंगी, तो थर्मल पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इसका जो है हानि है जो इससे हमको होती है। ठीक है, लिमिटेड फिजाइल मटेरियल, हम अभी तक के न्यूक्लियर फ्यूल में आत्मनिर्भर नहीं हैं, भारत में कुछ ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल है, वो भी 238 के फॉर्म में होता है, आपने पढ़ा यूरेनियम 235 चाहिए रहता है। ठीक है, इस वजह से हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है और दुनिया में हर जगह अमूमन यही हालात हैं कि बहुत ज़्यादा जितनी हमको ज़रूरत है उतना फ्यूल हमारे पास नहीं है, तो न्यूक्लियर एनर्जी की ये सारी जो है वो हानियाँ हैं। सो दैट इज़ इट, ये हो गया आपकी मेन टॉपिक। अब हम नज़र डालते हैं न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, बहुत शॉर्ट में हम इसे पढ़ेंगे, फिजिक्स वाला पार्ट पूरा डील हो चुका है शॉर्ट में, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसको डिटेल में डील किया जाएगा। वर्तमान में भारत में नाभिकीय ऊर्जा का क्या सिनारियो है? ठीक, इंडिया में याद रखिएगा न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो जनक माने जाते हैं वो हैं होमी जहांगीर भाभा, ये एटॉमिक कमीशन ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन भी थे और इन्होंने ही भारत में जितने एटॉमिक रिसर्च हैं उनको आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, होमी जहांगीर भाभा का नाम याद रखें। जितने आपके न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अधीन आते हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का हेड होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा से रिलेटेड सारे कार्यों का अंजाम देता है, जिसकी देखरेख सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर करता है, उसके ऑर्डर्स पर सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1954 में होमी जहांगीर भाभा के कॉन्ट्रीब्यूशन से कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, 1948 में ये बना था लेकिन 1958 में एक रेजोल्यूशन के जरिए इसे इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया, पहले सिर्फ एटॉमिक एनर्जी कमीशन नाम था। एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है इस डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये इंडिया में सारे पावर जनरेशन से रिलेटेड कार्यों को देखता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर NPCIL भी होता है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो ये एपेक्स बोर्ड है लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो विंग्स हैं उनमें NPCIL, NPCIL मतलब नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया में जितने पावर प्लांट्स हैं उनका मैनेजमेंट NPCIL करता है। ठीक है, 1969 में ये बना था। ये हायरार्की है, मैंने कहा मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, साइंस टेक वाले लेक्चर में आपको ये डिटेल में मिलेगा। ये सारे वो विभाग हैं सरकार के, ये सारे संगठन हैं भारत में वैकल्पिक ऊर्जा
न्यूक्लियर एनर्जी को मैनेज करते हैं। ठीक है, अब क्विक फैक्ट्स देखते हैं इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी के। भारत में जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। भारत में ऊर्जा का पांचवा सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है, जो परंपरागत स्रोत है उसके बाद। भारत में पहला पावर प्लांट जो वो बना वो तारापुर महाराष्ट्र में बना, ठीक है, सभी आप जानते हैं कि ट्रॉम्बे में पहला पावर प्लांट बना था 1969 में। वर्तमान में देखें तो टोटल पावर प्लांट 7 है इंडिया में। सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है वो कुडनकुलम है, 2000 मेगावाट्स की, वहाँ पर VVER वाले जो रिएक्टर्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया है। वाटर वाटर एमिशन रिएक्शन, वो PHWR का एक वेरिएशन होता है, उसको इंस्टॉल किया गया है। तो करीब करीब हज़ार के दो यूनिट्स लगाए गए हैं, तो 2000 मेगावाट्स के साथ सबसे बड़ा पावर प्लांट कुडनकुलम तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद जो रिएक्टर्स हैं, भारत का पहला जो रिएक्टर है वो अप्सरा है, हालांकि कमर्शियली साइरस का भी नाम आता है, पर याद रखिए जनरली अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जो रिएक्टर था वो अप्सरा था। वर्तमान में 22 टोटल रिएक्टर इन 7 पावर प्लांट्स में कार्यरत हैं। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी यानी इन 22 रिएक्टर से कितनी हम ऊर्जा जनरेट करें, कितना पावर जनरेट करें, 6780 मेगा वॉट्स। ठीक है, इतना पावर जनरेशन टोटल हो रहा है इन 22 रिएक्टर्स। अभी जो 7 पावर प्लांट्स और 22 रिएक्टर्स, उनके अलावा करीब 7 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कुडनकुलम के कुछ जो नए इंस्टॉल्ड हो रहे हैं वो यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैतापुर महाराष्ट्र। ये न्यूज़ में इसलिए भी रहे क्योंकि हम विदेशी सहयोग से इन पावर प्लांट्स को बना रहे हैं। आपने सुना होगा फ्रांस की कोलैबोरेशन से, रशिया की कोलैबोरेशन से हम इन पावर प्लांट्स का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, आपने कुडनकुलम में सुना होगा, आपने जैतापुर में सुना होगा, फ्रांस और रशिया के सहयोग से बन रहा है। ठीक है, तो करीब करीब 4300 मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स अभी नियर टू कंप्लीशन है, यानी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिलहाल इसी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। न्यूक्लियर टेस्ट, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, भारत जब न्यूक्लियर ऊर्जा में, वेपन्स में सक्षम बना तो हमने 2 बार परमाणु परीक्षण किए। ठीक है, 2 परमाणु परीक्षण भारत में हो चुके हैं, एक हुआ 1974 में, दूसरा हुआ 1998 में। पहला इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ। ये दोनों ही जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए वो राजस्थान के पोखरण में मई के महीने में किए गए थे। ठीक है, तो मई 1974 में पोखरण 1, जिसे स्माइलिंग बुद्धा भी कहा जाता है, उसे कोड नेम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, और मई 1998 में पोखरण 2, जिसे ऑपरेशन शक्ति भी कहा जाता है। ठीक, तो ये न्यूक्लियर टेस्ट कराए गए थे। ठीक, मैं बहुत क्विक फैक्ट्स बता रही हूँ, मैंने फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लिया है, बहुत बड़ा आपका ये लेक्चर हो चुका है, लेकिन ये सारी चीज़ें डील करनी ज़रूरी थी और एक ही लेक्चर में डील करनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई। ठीक, अब एक नज़र डाल लेते हैं भारत के जितने 7 पावर प्लांट्स हैं उन पर। इस मैप को आप ज़रूर याद करें, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा, नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, तमिलनाडु में है सबसे बड़ा पावर प्लांट कुडनकुलम। तमिलनाडु में ही मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट है, ये कल्पक्कम के नाम से भी जाना जाता है, कल्पक्कम में ये है। ठीक है, तो एक हो गया कुडनकुलम, दूसरा हो गया कल्पक्कम, दोनों तमिलनाडु में। इसके ऊपर आते हैं कर्नाटका, कर्नाटका में आपका कैगा है। महाराष्ट्र में तारापुर जो कि सबसे पहला पावर प्लांट था, फिर गुजरात में काकरापार है, राजस्थान में रावतभाटा या राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, रावतभाटा भी कहा जाता है। उसके बाद अगर आप आएंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 ऑपरेशनल पावर स्टेशन हैं इंडिया में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कौन से स्टेट में है, पहला कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा, दैट इज इट। क्विक फैक्ट्स में इतनी चीज़ें न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। सो गाइज, दैट इज इट विद द न्यूक्लियर एनर्जी विच कवर्ड मैक्सिमम ऑफ द फिजिक्स पार्ट एंड सम पार्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर। कहीं पर भी कुछ भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, दैट इज इट। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।